नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहन। दोस्तों, मैं आज आपको दिखाऊंगा, मैं पिछले 4-5 वर्ष से किराने की दुकान चलाता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ, जो कोई भी भाई नई दुकान, छोटी किराने की दुकान खोले, तो उसको ये मेरा अनुभव काम आ जावे और वो किस प्रकार दुकान चलावे उसको एक थोड़ा नॉलेज आ जावे। तो पहले मैं आपको दुकान का सामान दिखाता हूँ, मेरी खुद की दुकान का, कि इस दुकान में क्या क्या सामान होना चाहिए जिससे वो आदमी आराम से अपनी दुकान चला सके, उसको कोई तकलीफ नहीं आवे। और लास्ट में मैं आपको ऐसे 4-5 टिप्स दूंगा जिससे आप दुकान आराम से चला लो और 20-25 हजार रुपया कमा लो और अपनी आजीविका चला लो। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपनी दुकान। दुकान में पहले आपको सामान दिखाता हूँ, फिर बाद में आपसे बात करूंगा। यह है फ्रेंड मेरी किराने की दुकान जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। अभी दुकान के अंदर चलते हैं, ये तो दुकान के बाहर से आपको दिखाया। फ्रेंड, यहाँ पे लगे हुए हैं कुरकुरे जो छोटे बच्चे बड़े खाते हैं, कुरकुरे लेके जाते हैं। एक छोटी दुकान में पहले ज़रूरत होती है कुरकुरे की, फिर सब दालें, गोटे, चने की दाल, मूंग की दाल, तुअर की दाल जो घर में काम आती है, ये सब कुरकुरे। फिर एक छोटा सा फ्रिज लेना पड़ता है, उसके अंदर डेली यूज़ में आने वाली चीज़ जैसे दूध है, चॉकलेट है, 5 वाली 10 वाली चॉकलेट है, पानी की बोतल है, ये गर्मियों के दिनों में कोल्ड ड्रिंक है। उसके बाद में ये मयूर इन्ना है, इजी है, जिलेट गार्ड है, रुई है, पानी छानने वाली छन्नी है, ये तेल है, डाबर आंवला, पैरासूट, एयर एंड केयर, ये साबुन, विम, लाइबॉय, लक्स, ये डिटॉल, ये हल्दी, धनिया, मिर्ची, टाटा नमक, ये सरप, टाइड, सरप एक्सल, ये चाय पत्ती, ये 10 में हल्दी धनिया मिर्ची पाउच, ये अगरबत्ती मैक्सो, ये चॉकलेट के छोटी चॉकलेट के पैकेट, ये बर्तन साफ करने वाली जाली, अगरबत्ती, पॉन्ड्स पाउडर, क्रीम फेयर एंड लवली, कोलगेट, ये वैसलीन है, फिर गुड नाइट है, ये पेन है, शैम्पू है क्लिनिक प्लस, ये जैसे घी का डिब्बा है 1/2 किलो 1 किलो। उसके बाद में साबुन है ओस वाल कपड़े धोने का, ये सिंगड़े के सेव प्रसाद है, ये सतमोला आंवला, ये जो बच्चे खाते हैं, ये माचिस, गुटखा तंबाकू, ये अपने हो गए नमक, इसमें सब दालें हो गई, ये फेविकोल है, ये छोटे बच्चों की बुक्स हैं, खारी ठोस। उसके बाद में सामा, सूजी, मैदा, सोयाबीन, तेल के पाउच, उसके बाद में बाट हो गया, उसके बाद में 0.5 लीटर 1 लीटर में सरसों की रिफाइंड तेल की बोतल, पोहे है, पास्ता है, ये फिर मैगी है, नमकीन है छोटे बड़े पाउच, उसमें जो उसके बाद में जो घर में काम आने वाली जो तलते हैं वो चिप्स है, उसके बाद सुपारी है, मीठा सोडा है, ये नमक हो गया, ये बच्चों का स्टेशनरी का सामान थोड़ा बहुत जो बच्चे अपने से खरीद लेवे, ये आगे काउंटर आ गया, उस काउंटर पे ये टॉफीज है, ये बिस्किट है, ये बीड़ी तंबाकू सिगरेट है, ये फिर छोटी कोलगेट है, लेजर जिलेट गार्ड है, ब्लेड है, ये छोटे 10 रुपये वाले साबुन, ये 10-20-50-100 वाले तेल की बोतल है, ये मेहंदी कोन है, ताले हैं, ये चीज़ सब अपने दुकान में रखनी पड़ती है। जो नॉर्मल डेली यूज में आने वाली चीज़ है वही एक छोटा दुकानदार रख ले तो भी बहुत है। अभी ये सब चीज़ें आपको दिखा दी, अब उसके बाद में मैं बताता हूँ किस तरह से ये दुकान चलानी चाहिए और कहाँ से सामान लाना चाहिए ताकि आपको सस्ता पड़े और आराम से आप अपनी दुकान चला सको और यही सामान बेच के आप आराम से अपनी आजीविका चला सकते हो। अब बताता हूँ दोस्तों, मैं आपको दुकान खोलने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पहला पॉइंट, माल हमेशा मेन जो आपके जिले की मंडी है, होलसेल मंडी, वहीं से लाना ताकि आपका 2 पैसा ज़्यादा बचे। दूसरी बात, ग्राहक से हमेशा प्रेम से बात करना जिससे वो संतुष्ट रहे।
तीसरी बात, दुकान खोलने का टाइम है जो फिक्स होना चाहिए। सुबह इतने बजे खोलनी है, शाम को इतने बजे बंद करनी है, तो वही इतने बजे ही खोलनी है। क्यों? कि आपका ग्राहक विश्वास से आपके पास आता है, और आपकी दुकान अगर बंद मिलती है तो दूसरी बार वो ग्राहक आपके पास में नहीं आएगा, सेवा का मौका नहीं देगा। चौथा पॉइंट, माल हमेशा ओरिजिनल रखना, 2 पैसा कम बचे लेकिन ओरिजिनल बेचना, ताकि ग्राहक संतुष्ट रहे और वो बार बार आपसे सामान लेके जावे। पांचवा पॉइंट, रोजमर्रा की जो चीज काम आने वाली है उस माल को आप पूरा दुकान में रखें, ग्राहक खाली नहीं जाना चाहिए। ये सब सामान आप 20-25 हज़ार रुपये लगाओगे तो 20-25 हज़ार में आपकी आराम से दुकान चल जाएगी। छठा पॉइंट, उधार किसी को मत देना, क्यों? उधार हार है। एक बार आप उधार दोगे फिर वो ग्राहक आपके पास नहीं आएगा, बहाना बनाएगा और फिर वो ग्राहक आप तोड़ दोगे। इससे अच्छा हाथ जोड़ के माफी मांग लो कि भाई मेरी छोटी दुकान है, मैं उधार देने में असमर्थ हूँ और उधार नहीं दे सकता। वो एक बार नाराज होगा लेकिन फिर दूसरी बार वो आपके पास ही आएगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।